वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम लोग उसके आगे का चैप्टर सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करने चल रहे हैं। मैकेनिक्स में हम लोग फोर्सेस, टॉर्क और मोमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बलों किसी भी निकाय पर, किसी भी बॉडी पर हम लोग बलों के प्रभाव का अध्ययन हम लोग करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स हमारे पास बल और उससे लगने वाले सभी उसके इफ़ेक्ट्स को हम लोग बॉडी पर देखते हैं और यही हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। तो फोर्स और उसका एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बॉडी का मोशन होगा, रोटेशनल होना चाहेगा, तो वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, कहाँ पर बॉडी पर लगेगा, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम अब हम लोगों को पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और कैसे हम उनका मैकेनिक्स में एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम लोगों ने दूसरा चैप्टर सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेलेक्ट किया है। आज हम लोग वही स्टडी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई? सेंट्रॉइड माने केंद्रक। केंद्रक किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का हो सकता है, चाहे वो लेंथ हो सकता है, वो मास हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, वो वेट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो केंद्रक है, केंद्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, किसी भी चीज़ का केंद्रक हम लोग क्या कहेंगे, कैसे उसके बारे में अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक महत्वपूर्ण है, जड़त्व या घूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनर्शिया वह प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी वस्तु के चेंज का, वस्तु में उसके अवस्था परिवर्तन का, चेंज का अपोज करता है, कि अवस्था में जो भी है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसमें चेंज का अपोज करता है। तो ये तो रेखीय गति के लिए था। अगर यही काम रोटेशनल मोशन में अगर हम लोगों को देखना हो, रोटेशनल मोशन में, तो वो रोटेशनल मोशन में जो हमारे पास इनर्शिया काम करता है उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है और कितने तरीके के सेंट्रॉइड हो सकते हैं हमारे पास और उनका क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या है, जैसा कि अभी मैंने नाम से ही बताया, सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक किसी भी चीज का हो सकता है। हमने कह दिया कि कोई बॉडी दिया है, उसके एरिया का केंद्र हम लोग बताएं, एरिया जहां पे होल एरिया इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड, वो क्या होगा हमारे पास, केंद्रक। अगर हम लोग लंबाई का अगर केंद्रक देखना चाहते हैं, लेंथ का केंद्रक देखना चाहते हैं, तो वो पूरे लंबाई में अपना कहाँ उसका सेंटर है जो एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा लंबाई का। द्रव्यमान का केंद्रक हो सकता है, भार का केंद्रक हो सकता है, यानी सेंट्रॉइड जो है हमारे पास, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर ऑल द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, वेट हो सकता है। ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो केंद्रक है, जो केंद्र है जिस पर ये काम करते हैं, होल पूरा इनका कंसंट्रेशन जहां पर माना जा सकता है, मींस दैट कि अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा एरिया दिया है, इस एरिया का हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहें, इन सब पूरे एरिया को एक पॉइंट में बनाना चाहें, तो जिस पॉइंट पर एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड माना जाएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, एरिया का केंद्र। मास का भी अगर हमें देखना होगा तो हम लोग मास का केंद्रक ले सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम का केंद्रक ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम लोग इसके बारे में, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब जहां पर केंद्रित माना जाए, जहां पर क्या माना जाए, केंद्रित, सेंट्रॉइड है। जनरली बुक्स में सेंट्रॉइड एरिया के सेंटर को ही हम लोग कह देते हैं कि वो क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रॉइड माने किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, सेंट्रॉइड सिंपल सा केंद्रक है और ये केंद्रक किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब जैसे लेंथ के लिए हमारे पास सेंट्रॉइड देखना होगा, एरिया के लिए देखना होगा, वॉल्यूम के लिए देखना होगा, मास के लिए देखना होगा, वेट के लिए देखना होगा। तो इन सबको अलग अलग हम लोग देखते हैं कि इनका क्या वैल्यू है और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ। मान लिया जाए कि एक लाइन हमें दिया हुआ है, इस लाइन का इस प्रकार से हमारे पास केंद्र हमें बनाना होगा जहां से ये पूरी लाइन को हम लोग एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उस पॉइंट से हमारे पास दोनों तरफ उसका हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आए वो सब इक्वली डिवाइड हो, मतलब वो कहीं पर भी उसका कोई ज़्यादा या कम ना हो, बैलेंस्ड रहे, ऐसे पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक। तो मान लिया जाए इट इज द पॉइंट वेयर होल लेंथ,
संपूर्ण लेंथ हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर पूरी लंबाई को हम लोग ये मान सकते हैं कि केंद्रित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ का केंद्रक, लेंथ का लंबाई का केंद्रक। लंबाई का केंद्रक का मतलब क्या है, हम लोग केंद्रक का मतलब इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं केंद्रक का, क्योंकि हम लोग उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकें। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी हम लोग क्या करते थे, पॉइंट मास, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते थे। तो हम लोग पूरा जो एनालिसिस करते हैं, सभी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक पॉइंट पर मानने की प्रक्रिया हमारे मैकेनिक्स में है, जिसकी वजह से हम लोग को का जो एनालिसिस है वो सिंपल हो जाता है और उस पर हम लोग बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमारे पास सेंट्रॉइड अगर हमें बताना होगा तो सेंट्रॉइड, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को रेफरेंस सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास रेफरेंस सिस्टम है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये हमारे पास लंबाई है, तो हमें इसका जो कोऑर्डिनेट बताना होगा कि कोऑर्डिनेट इसका ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम लोग कहें एक्स बार और वाई बार, इनकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई होगा वो क्या होगा, x बार होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, y बार, और इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हम लोग मान लिया जाए कि, चलिए यहीं पे देखते हैं हम लोग, मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये कहें कि ये लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी हम लोग छोटे एक स्मॉल dl लेंथ को लेकर के कंसिडर करेंगे, और इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास ये डी एल लेंथ है और यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो हम इसका टोटल अगर सेंट्रॉइड अगर निकालना चाहते हैं तो सभी x इंटू एल को हम लोग इसको जोड़ दें, मतलब हम लोग इंटीग्रेट कर दें। हम लोगों ने ये कह दिया कि x इंटू डी एल और डिवाइडेड बाई अगर हम लोग l कर देंगे टोटल लेंथ, दिस इज द टोटल लेंथ, तो हमें ये मिल जाएगा x बार। क्या मिल जाएगा हमें, x बार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस लाइन को दो तीन टुकड़ों में बांट लेते हैं, ये हम लोगों ने कह दिया कि केवल लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास है L1, ये है हमारे पास L1, यहां से यहां तक हमने कह दिया कि ये है L2, और यहां से यहां तक हम लोगों ने मान लिया कि ये क्या है, इसकी लंबाई L3। ये वर्टिकल सेक्शन में नहीं है, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो हम लोग डिस्क्रीट मैनर में भी इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 xi li अपॉन l समेशन li, जितने भी हमारे पास फॉर्मेट में होंगे। देखिए समेशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, उसका मीनिंग होता है ऐड करना, उसका मीनिंग क्या होता है, ऐड करना। ठीक, तो ऐड कैसे हम लोग करते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ये लंबाई हमें जितनी दी है, इसका जो सेंटर होगा ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, x1, यहाँ से यहाँ तक इसका जो केंद्रक होगा वो हो जाएगा x2, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो केंद्रक होगा वो क्या हो जाएगा, x3। ठीक, तो ये हम लोग एक्सिस पर इस रेफरेंस सिस्टम में इसका हम लोग क्या दे सकते हैं, केंद्रक निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। मान लिया जाए कि हमें अगर केंद्रक निकालना है, तो हम लोगों ने तो कंटिन्यूअस वेरिएशन में दे दिया है, एक्चुअल में हमारे पास जो लाइन होता है उसका वेरिएशन सेगमेंट फॉर्मेट में नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी अगर वो सेगमेंट फॉर्मेशन में दे दिया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कोई लाइन है और इस लाइन का हमें सेंट्रॉइड बताना है, इसका लेंथ L1 दिया है, इसका लेंथ L2 दिया है, इसका लेंथ L3 दिया है, तो सपोज दैट कि हमें इसका सेंटर बताना है कि कितने दूरी पर इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा और कितने डिस्टेंस पर होगा, तो हमें एक्स बार और वाई बार निकालना होगा। ठीक, तो यहां से इसका केंद्रक हमें दिया हुआ होगा, ये एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, यहां पर हमारे पास यहां से हमारे पास जो केंद्रक होगा ये एक्स टू होगा, और यहां से इसका जो हाइट दिया होगा ये y2 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया होगा वो x3 होगा, और यहाँ से सॉरी हाँ x3, और ये जो होगा हमारे पास ये y3 हो जाएगा, ये लेंथ है l3। तो अब अगर हम लोगों को c निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, x बार कॉमा y बार। तो x बार की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगा x1 l1 प्लस x2 l2 प्लस x3 l3 डिवाइडेड बाई l1 प्लस l2 प्लस l3।
इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर लाइन सेगमेंट का दिया है, केवल लेंथ का अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो जो भी आएगा फॉर्मेट। सिमिलरली अगर हम लोग वाई बार की अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाई वन एल वन प्लस वाई टू एल टू प्लस वाई थ्री एल थ्री डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, और ये हमारे पास इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा, इसका केंद्रक, लंबाई का केंद्रक आ जाएगा। दोस्तों ये डायग्राम और ये जो डेरिवेशन है इसको एकदम इजीली हम लोग समझ सकते हैं, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। ये जो फॉर्मेट दिया है x इंटू डी एल, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए होता है। देखिए इंटीग्रेशन और समेशन दोनों का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन वहां पर यूज करते हैं जहां पर कंटिन्यूअस बदलाव होते हैं, कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जहां पर डिस्क्रीट मैनर में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, जैसे यहां से यहां तक के लिए दे दिया है, यहां से यहां तक के लिए दे दिया है, यहां से यहां तक के लिए दे दिया है, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हमारे पास होता है, डिस्क्रीट मैनर में अगर हो रहा है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, समेशन यूज करते हैं, और समेशन यूज करके हम लोग सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आमतौर पे जो लेंथ है वो तो हमारे पास जनरली नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर होगा कि कभी अगर उसने लेंथ के लिए अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज वो लेंथ के लिए नहीं पूछता है। ज़्यादातर जो हमारे पास पूछा जाता है सेंट्रॉइड, या तो एरिया का पूछा जाता है, या तो मास का पूछा जाता है, या तो वेट का पूछा जाता है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं हम लोग। ठीक, तो सेंट्रॉइड में लेंथ का सेंट्रॉइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मास का और वेट का और एरिया का है। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सिंपल सी बात है, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया में भी हमारे पास क्या होगा, सेम डेफिनेशन, जहां पर किसी भी क्षेत्रफल का पूरा एरिया कंसंट्रेटेड केंद्रित माना जाए, वही पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एरिया का केंद्रक, क्षेत्रफल का केंद्रक। इट इज द पॉइंट वेयर होल एरिया इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इज नोन एज हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ठीक, एक्चुअल में सेंट्रॉइड अगर कभी भी कहता है तो जनरली दिमाग में एक ही चीज आता है, एरिया के लिए। तो जनरली सेंट्रॉइड जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, वो एरिया के लिए ही यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रॉइड ऑफ वेट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड अगर केवल कहता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग एरिया को लेकर के कंसीडर करेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास एक डायग्राम दिया है और ये डायग्राम में हमसे ये बोल रहा है कि इसका पूरा जो एरिया है वो ए है और वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, इसी पॉइंट पर एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट बताना होगा, एक्स बार कॉमा वाई बार। तो हम लोग इसमें एरिया कंसीडर करेंगे, एक डी ए एरिया कंसीडर करेंगे, और डी ए एरिया कंसीडर करके हम लोग उसका डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट करके टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्स बार मिलेगा। नाउ अगर हम लोग ये कहें कि यही एरिया अगर दो या तीन पार्ट में अगर जुड़ा हुआ, तो ये देखिए कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए है। अब मैं डिस्क्रीट वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। एक हमारे पास कुछ एरिया इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को कुछ सेंट्रॉइड्स हम लोगों को याद रखने होते हैं, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला चार्ट तैयार किया हुआ है, जो कि अभी आप लोगों को एक सीक्वेंस में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि किसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा और कैसे हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रफल के लिए, अलग अलग एरिया के लिए कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स को हम लोगों को अपने ध्यान में रखना होता है, और उसका एक एक एक्सप्लेनेशन हम लोग करके देखेंगे कि वो कहां पर हमारे पास सेंट्रॉइड काम कर रहा है, कहां पर नहीं काम कर रहा है, और उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि इसका हमारे पास एरिया ए वन है, इसका एरिया हमारे पास ए टू है, और इसका एरिया ए थ्री है। आमतौर पे आप लोग यही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और अगर हम लोग इसको एक रेफरेंस सिस्टम में ले लें, वाई और ये एक्स, तो हमारे पास मान लिया जाए कि यहाँ से इसका जो हमारे पास है केंद्रक एक्स वन वाई वन है, ये क्या है एक्स टू वाई टू है, और ये क्या है एक्स थ्री वाई थ्री है। ठीक, तो अगर हम लोग ये लिखना चाहते हैं कि इनका अगर कंबाइंड अगर हम लोग देखें कि पूरा सेंट्रॉइड कहाँ पे काम करेगा, तो हमें x बार निकालना पड़ेगा, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3।
वाई बार इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा हमारे पास वाई वन आएगा, ये वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू प्लस वाई थ्री ए थ्री डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ये हमारे पास डिस्क्रीट नेचर में अगर होगा तब, कंटिन्यूअस वेरिएशन में अगर हम लोग को देखना हो कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंट्रोइड क्या होगा क्या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से हम लोग कंटिन्यूअस, जैसे अगर हमें रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल का अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड सो ऑन, तो इस तरीके से हम लोग सबका उसको इंटीग्रेट करके हम लोगों ने एक फॉर्मेट में बनाया हुआ है। मान लिया जाए कि अगर हमें केवल एक रेक्टेंगल का अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका सेंट्रोइड, वो हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास कंटिन्यूअस सेक्शन रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है और इसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि यहां से यहां तक इसका विड्थ जो लेंथ दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, और यहां से यहां तक हमारे पास मान लिया जाए इसका डेप्थ एच दिया हुआ है। ठीक, तो अब अगर हम लोग को इसको सेंट्रोइड अगर निकालना होगा, ये कंटिन्यूअस सेक्शन है, ये इसके पूरे एरिया का फाइंड आउट करना होगा। हमने ये मान लिया कि ये वाई एक्सिस है और ये हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, एक्स दूरी पर होगा। मान लिया जाए कि इसका जो हमारे पास एरिया है, सॉरी जो इसका विड्थ है वो डी एक्स विड्थ है, इसका जो विड्थ यहाँ से यहाँ तक है तो हम लोग मान लें कि ये डी एक्स है, और इसकी हाइट जो होगी वो एच होगी। तो हम लोग को x बार का जो फॉर्मूला होता है, x बार का क्या फॉर्मूला है भाई, x dA इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई a टोटल एरिया। ठीक, तो अगर हम लोग ये कहें कि x ये हमने ले लिया, इसका एरिया जो होगा वो कितना होएगा, एरिया जो होएगा हमारे पास हो जाएगा h इंटू, यहाँ से अगर हम लोग dA निकालें तो dA इज इक्वल टू हो जाएगा dx इंटू में h। तो हम लोग लिखेंगे h dx इंटीग्रेशन, और ये x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जीरो से b तक वैरी करेगा, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एरिया b इंटू एच। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h तो हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन में बचेगा हमारे पास जीरो टू b x dx डिवाइडेड बाई बी एच। तो ये h से h हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन बी x का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और जीरो से b लिमिट जब हम लोग रखेंगे तो वन अपॉन बी बी स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या बचेगा b बाई टू, यानी इसका जो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हमारे पास जो सेंट्रॉइड आ गया x एक्सिस का केवल वैल्यू x बार इज इक्वल टू आ गया b बाई टू, यानी जो उसकी लंबाई दी हो गई दी होगी उसके आधी लंबाई पर उसका सेंट्रॉइड काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग y बार निकालेंगे तो y बार निकालने के लिए हम लोग पास y बार निकालने के लिए हम लोग पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देखते हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे। तो y बार के लिए हम लोग पास फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन y इंटू ए इंटीग्रेशन। अगर हम लोग ये कहें कि y बार अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो इंटीग्रेशन y dA डिवाइडेड बाई a टोटल एरिया। अब हम लोग को स्ट्रिप जो कंसीडर करनी होगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करनी होगी, और यहाँ से हम लोग मानेंगे कि y डिस्टेंस पे और इसका जो है dy है, फिर dA निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग y बार भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सेंट्रॉइड। तो कंटिन्यूअस सेक्शन में भी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, और डिस्क्रीट मेथड में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोग को सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालना होगा। तो वॉल्यूम भी हमारे पास सेम है, वॉल्यूम का मतलब थ्री डायमेंशनल चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन, उसमें एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास होंगे। वैसे भी हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज द पॉइंट वेयर होल वॉल्यूम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर संपूर्ण आयतन किसी भी पिंड का संपूर्ण आयतन कार्य करता हुआ माना जा सके वही हमारे पास आयतन केंद्रक कहलाता है। आयतन केंद्रक हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम।
तो सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम के लिए सिमिलर फॉर्मेट है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी वी अपॉन टोटल वॉल्यूम y dv इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई v। तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू x बार की वैल्यू ये हो जाएगी, y बार की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एरिया के लिए देखा, जिस तरीके से हम लोगों ने मास के लिए देखा, उसी तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम भी देख सकते हैं। आमतौर पर हमें सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस पर कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें जो सबसे ज़्यादा सेंट्रॉइड का रिक्वायरमेंट होता है, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो हमें एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है, और जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ मास क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों को देखना है। सब कुछ हमारे पास सिंपल टाइप का डेफिनेशन है, उसी तरीके से इट इज द पॉइंट वेयर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर किसी बॉडी का होल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ मास, ठीक, सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ मास दोनों चीज हमारे पास है। सेंटर ऑफ मास हम लोग जनरली यूज करते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्रक, लेकिन मुख्य तौर से हम लोग जो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है हमारे, जो सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कह देते हैं, ठीक। इट इज द पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब हर एक तरीके से, मतलब जहां पे हमने अगर पॉइंट अगर केंद्रक कह दिया, तो केंद्रक अगर हम लोगों ने कह दिया कि जितना हमारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होगा उतना ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होना चाहिए, यहां पे जितना है उतना इधर होना चाहिए, जितना इधर है वहां पे इधर होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सेंटर है मास का जो डिस्ट्रीब्यूट होने का, वो हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, वहां से इक्वल डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए हर जगह बराबर होना चाहिए, इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x dm इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज द टोटल मास, एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मासेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल मास लिख सकते हैं। सिमिलरली y बार इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x dm इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय ये y होगा यहां पे, y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dm अपॉन कैपिटल m। What is the capital M? Capital M is the total mass of the body. ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास C centroid हो गया हमारे पास, center of mass, इसको हम लोग generally center of mass, centroid of mass को center of mass हम लोग use करते हैं। देखिए इसी format को अगर हम लोग discrete method में लिखें, discrete method में मैं क्यों लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का ये utilize होता है, और बहुत ज़्यादा हम लोग इसका तो केवल question ही पूछ लेता है कि center of mass ये centroid कहाँ पर होगा, सेंट्रॉइड ऑफ मास कहां पर होगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ मास कहां पर होगा, उसके लिए हम लोग क्या कहें भाई, कि अगर हमारे पास x बार पूछा है तो हम लोग कहेंगे कि x1 m1 plus x2 m2 plus and so on xn mn divided by m1 plus m2 plus and so on plus mn, यानी y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, y1 m1 plus y2 m2 plus and so on yn mn divided by m1 plus m2 plus and so on mn। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये मास कैसा होगा, तो हमने ये कह दिया कि अगर कोई भी मास हमारे पास दिया है साहब, उसका सेंट्रॉइड हमें निकालना है, ये है y बार, ये क्या है x बार, और इसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मासेज में हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग ये कहें कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एंड सो ऑन, ये एन है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग एम वन, इसका हम लोग डिस्टेंस लेंगे एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री, एंड सो ऑन, डिवाइड बाई टोटल मास अगर हम लोग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास।
ठीक। तो सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, हम लोगों को कुछ डेफिनेट शेप के सेंटर ऑफ मासेस और सेंटर ऑफ एरिया को हम लोगों को क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है, जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैंने एक दो डेरिवेशन अभी यहाँ पर सॉल्व भी किया है कि उसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड कहाँ पर काम करते हैं, सेंटर ऑफ एरिया कहाँ पर काम करते हैं, ये हम लोग को देखना है। देखें ठीक, अभी हम लोग इसको फॉर्मेट के फॉर्मूले के रूप में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ वेट क्या होता है हमारे पास, किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ वेट को कंसीडर करते हैं और सेंटर ऑफ वेट हमारे पास कहां से आएगा और उसका क्या मीनिंग होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ वेट, यहां पर किसी भी बॉडी का होल वेट एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ वेट। इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट, देखिए होल वेट इज सपोज टू बी एक्ट, वो क्या कहलाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू बी एक्ट, मीन्स दैट मान लिया जाए सपोज दैट अगर हमारे पास कोई बॉडी है भाई, सभी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इन सभी पर इंडिविजुअली हमारे पास वेट काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। आप लोग जानते हैं एफ जी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, सभी पार्टिकल्स पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर किसी भी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट इन सभी बॉडी पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल का, जिस पॉइंट पर इनका परिणामी काम करेगा वही हमारे पास जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट, इन किसी भी बॉडी के सभी कणों पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का जो परिणामी है, जिस बिंदु पर कार्य करता है या कार्य करता हुआ माना जाता है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड ऑफ वेट। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑलवेज पासेस थ्रू दैट पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, क्रिया रेखा, पढ़ा चुका हूं, किसी भी बल को पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चार पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। चार पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हमारे पास होता है परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया रेखा। तो हमारे पास क्या होगा लाइन ऑफ एक्शन, उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट हमारे पास पैरामीटर होता है, मतलब जहां पर भी किसी भी बॉडी का वेट एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, हम लोग जो mg दिखा देते हैं, मान लीजिए जो कोई बॉडी है इसका जो वेट हम लोग mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग दिखा देते हैं, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वेट का वो इसी पॉइंट से पास होकर के जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑलवेज पासिस थ्रू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब कौन सा दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, चलिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास किसी भी बॉडी का जहां पर टोटल वेट काम करता है, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड ऑफ वेट। ठीक, चलिए, क्या हम लोगों को ये समझ में आ सकता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं या एक ही होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सब लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां पे काम करेगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, नहीं होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। क्या द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों अलग अलग हो सकते हैं किसी एक पिंड का, बिल्कुल हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं इस चीज को हम लोग समझें। अभी मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि एरिया जो क्षेत्रफल का केंद्रक है और द्रव्यमान का केंद्रक है, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किन स्थितियों में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र और क्षेत्रफल का केंद्रक क्या अलग अलग हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि हमें कोई एरिया दिया है, एरिया ये सर्कुलर फॉर्मेट में है, तो इसका एरिया जो होगा ये सेंटर पे आएगा। अगर मान लिया जाए कि ये पूरा होमोजीनियस मटेरियल एक समान के पदार्थ से बना हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ एरिया है वो दोनों इसी पॉइंट पर काम करेंगे।
सेंट्रॉइड भी और सेंटर ऑफ मास भी, यानी ए और एम दोनों एक ही पॉइंट पर यहां पर काम करेंगे। परंतु अगर यही हमारे पास हो एरिया सेम रेडियस का, मान लिया जाए कि इसका रेडियस आर था, इसका भी रेडियस हमारे पास क्या है आर है, सब कुछ सेम है एरिया के मेथड में, लेकिन अगर इसको हम लोगों ने ऊपर वाले हाफ को हम लोगों ने इसको कॉपर से बनाया है और नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने स्टील से बनाया है, तो स्टील का डेंसिटी अलग होगा, कॉपर का डेंसिटी अलग होगा, यानी इसमें मटेरियल कंटेंट जो होगा, जो मास होगा, स्टील हैवी होगा और कॉपर जो होगा क्या होगा अलग होगा, उसका हमारे पास वैल्यू अलग आ जाएगा। तो जो इसमें सेंट्रॉइड होगा वो तो सेंट्रॉइड, मान लो जैसे ये हमारे पास है तो इसमें सेंट्रॉइड तो यही सी पर काम करेगा, लेकिन इसमें से अगर स्टील हैवी है तो सेंटर ऑफ मास जो है, ये एरिया के लिए अगर हम लोग कहें तो एरिया कंसंट्रेशन यहां पर होगा, लेकिन मास का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। मान लिया जाए जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी आदमी अगर चीटिंग करना चाहता हो और वो बोले कि हमें एक ही रोटी में दो अलग अलग किस्म के लोगों को खिलाना है, शैतानी करें, तो अगर रोटी सर्कुलर बनाया गया और एक पार्ट आटे से बनाया गया वीट गेहूं से और दूसरा मक्के से बनाया गया, गेहूं से बनाया गया और मक्के से बनाया गया, तो मक्का हम लोग जानते हैं क्या होता हैवी होता है और वीट जो होता है वो क्या होता है हल्का होता है, गेहूं जो होता है हमारे पास क्या होता है हल्का होता है, तो गेहूं हल्का अगर होता है भाई तो इसका एरिया जो सेंट्रॉइड होगा वो तो यहां पे काम करेगा, लेकिन सेंट्रॉइड का मतलब सेंटर ऑफ एरिया, वो यहां पे काम करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं यहां पर काम करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें मास अलग अलग हो गया, इधर मास हमारे पास क्या है ये हल्का है और ये क्या है हमारे पास भारी है, इधर मतलब हमारे पास इसमें मास का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, भारी होने का मतलब कि उसमें जो डेंसिटी है मक्के की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गेहूं के डेंसिटी के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ एरिया यानी सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अलग 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 होगा और मास भी अलग होगा। बात समझ गए? चलिए, क्या हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकते हैं? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर अलग अलग हो सकते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी, सेम हो सकते हैं तो क्या कंडीशन होगी और किस तरीके से ये अलग अलग जा सकते हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, अगर आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े हो तो हमारे पास किसी भी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई पिंड ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करता है, फील करता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो ग्रेविटेशनल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा वजन का होगा, मतलब ज्यादा वेट काम करेगा। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि अर्थ और मून, तो अर्थ जो है हमारे पास ज्यादा बड़ा है और मून जो है छोटा है, यहां पर जी वैल्यू अगर है एक्सेलरेशन की तो यहां पर जी बाई सिक्स, तो सेम मास का अगर बॉडी यहां पर आएगा अगर वो हमारे पास 10 न्यूटन का है तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो यहां पे 10 न्यूटन का तो यहां पर क्या हो जाएगा 10/6 न्यूटन का, यानी यहां वेट अलग अलग हुआ है, वेट अलग मास दोनों पर सेम रहेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, अगर ज्यादा तीव्रता है तो ज्यादा हमारे पास होगा। अब अगर एक समान गुरुत्वीय फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो हमारे पास एक समान का मतलब हर जगह एक समान है, तो ये अपने ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट जो होगा, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल पर सेम टाइप का फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। कब? सेंटर ऑफ मास, ये क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम पोजीशन इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द मीडियम इज यूनिफॉर्म। मतलब ऐसे एक समान रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र अगर कार्य कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक जगह होंगे, जो कि हम लोग फील करते हैं, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। ठीक,
लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि गुरुत्वीय जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं होगा तो किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा, तो हम लोग कहें कि इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द बेस, मतलब यहां पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है और इधर हमारे पास फील्ड की इंटेंसिटी कम है, तो इन पे फोर्सेस कम लगेंगे सेम मासेस के पार्टिकल्स पे और यहाँ पे फोर्सेस क्या लगेंगे ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास तो बॉडी का जो होगा वो बीच में जहां पर उसका मास केंद्रक होगा वहां पर काम करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हुआ है दोस्तों, ये इसमें हमारे पास डायग्राम में अगर इसको हम लोग बीच में दिखाएं तो जी केवल शिफ्ट होगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि यहां से यहां तक ये दोनों सेम डिस्टेंस है, एम के लिए एम का वैल्यू ऊपर नहीं गया, जी का वैल्यू क्या हो गया है नीचे शिफ्ट हो गया, जो m है जो द्रव्यमान केंद्र है मास सेंटर ऑफ मास है वो अपने ही जगह पे काम करेगा, चाहे वो इस वाले फील्ड में रखा हो या पहले वाले फील्ड में रखा था उसमें कोई समस्या नहीं होगी, समस्या किसमें होगी केवल g में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, आप खुद समझ सकते हैं कि इधर अगर हमारे पास ज्यादा फील्ड है इसका मतलब कि ज्यादा इंटेंसिटी का फोर्स है, यानी ज्यादा हमारे पास फोर्स काम करेगा यहां पर, और ज्यादा फोर्स काम करेगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपनी तरफ खींच लेगा, इसका वेटेज ज्यादा आएगा और इधर का वेटेज हमारे पास क्या होगा कम होगा, बात समझ गए, तो यही है हमारे पास बेस, अगर हमारे पास बेस पर स्ट्रॉन्गर होगा तो बेस की तरफ सेंटर ऑफ हमारे पास ग्रेविटी जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, विल बी बिलो द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, जी नीचे की तरफ चला आएगा, अगर उसी तरीके से स्ट्रॉन्गर फील्ड हो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा तो देखिए इसमें ये जो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम में एम को शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, एम अपने जगह पे ही रहेगा और एम जगह रहने के बाद ये क्या हो जाएगा जी का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी जी एम जो होगा वो तो सेंटर पे ही रहेगा लेकिन जो जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्गर लगेंगे और यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या लगेंगे कम लगेंगे, सर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए, क्या भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं हम लोग की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे है, मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये कहें कि आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल मान लिया जाए ये अर्थ है और अर्थ पर हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर लगता है, अगर हम लोग ये कहें कि अर्थ के सरफेस है पे है तो फोर्स कुछ और लगेगा और सेम मास अगर यहां पर है तो फोर्स कुछ और लगेगा, यानी यहां पर इंटेंसिटी कम है और यहां पर इंटेंसिटी क्या है ज्यादा है, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा लंबाई का है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है और यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कम है, तो अगर इस तरीके से अगर बॉडी रखा हुआ है तो इधर हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, इधर हमारे पास बॉडी के अलग अलग पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा, यानी इसके द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन ये बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जी के वेरिएशन में पता चले, भाई देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा भी ग्रेविटेशनल फील्ड अगर पढ़ा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रिड्यूस होता है, अगर वो रिड्यूस होता है इसका मतलब है कि नीचे अगर मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है यानी मैं ही अगर खड़ा हूं अगर मेरी हाइट इतनी है कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हो तो हमारे पैर पे फोर्स ज्यादा लगेगा और हमारे सर पे फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा, क्योंकि हाइट के अनुसार हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन है वो हमारे पास रिड्यूस होता जाता है, इसीलिए यहाँ पे मान लिया जाए अगर कोई बॉडी ऐसे है तो इसका हमारे पास मास जो होगा सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे काम करेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बिलो ऑफ द सेंटर ऑफ मास काम करेगा, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेंट्रॉइड कैन बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गिवन कर्व लेंथ फिगर एरिया या वॉल्यूम, अब मान लिया जाए कि अगर हमारे पास एक रिंग है तो रिंग का जो सेंट्रॉइड होता है वो रिंग के मटेरियल पर कहीं पर भी काम नहीं करता है, वो कहां पर काम करता है ये सर्किल का ये जो वृत्त है उसके सेंटर पर काम करता है ये जो रिंग का, यानी हमारे पास लेंथ के लिए हो गया, अगर एरिया भी अगर हमारे पास कुछ ऐसा है हम लोग एक हॉलो डिस्क लें मतलब केवल यहां पर ही मटेरियल है
केवल यहाँ पर मटेरियल है, तो इसका भी जो हमारे पास सेंटर ऑफ एरिया जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम की भी अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा वो सेंटर ऑफ वॉल्यूम हम लोग कैसे देख सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूब है, हॉलो क्यूब है जिसकी थिकनेस है, या हम लोग दीवाल, जो घर की दीवालें हैं, अगर एक कमरे में सभी दीवालों का अगर हम लोग आयतन का केंद्र निकालें, फ्लोर और छत को लेकर के, मतलब फर्श को भी ले लें और छत को भी ले लें और चारों दीवालों को ले लें, इनकी मोटाई को कंसीडर करते हुए अगर वॉल्यूम का अगर हम लोग केंद्र निकालें तो इसके सेंटर पर आएगा, यानी ये आउटसाइड, मतलब सेंट्रोइड कैन बी इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द डायग्राम हो सकता है, गिवन कर्व हो सकता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ए एक्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये ए एक्स बार क्या है भाई, ये ए एक्स बार क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी ए डिवाइडेड बाई ए। फ्रेंड्स अगर हम लोग ये कहें कि ए एक्स बार, ए को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इधर ले आकर के, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी ए। ये जो एक्स डी ए है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये हम लोग को देखना है, समझना है। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास पोर्शन है उसका हम लोगों को सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो सेंट्रोइड अगर फाइंड आउट करना है इसको हम लोगों ने दो पार्ट तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो ये वाला जो पोर्शन है देखिए वो इधर है, ये एक्स वन, वन अगर हम लोग कहें, टू अगर हम लोग कहें, थ्री कहें, इसको फोर कहें, इसको फाइव, तो अगर हम लोग वन और टू की बात करें तो ये दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, हमें यहां पर निगेटिव एक्स वन रखना होगा, ए वन ए एरिया तो हमारे पास निगेटिव होगा नहीं, ये हमारे पास निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये हम लोग को समझना है। ए एक्स विल बी पॉजिटिव, द सेंट्रोइड विल बी राइट टू द साइड ऑफ वाई वाई एक्सिस। देखिए भैया ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अगर कोई भी एरिया अगर इस पोर्शन में है यानी वाई एक्सिस के राइट में है, तो यहां से ये एक्स जो हम लोग कंसीडर करेंगे ये एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स पॉजिटिव होगा तो एरिया तो पॉजिटिव है ही, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास एरिया नेगेटिव कब होगा, जब एरिया वहां पर नहीं होगा। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एरिया को निगेटिव लेते हैं और किस तरीके से नहीं। तो अभी फिलहाल तो हम लोग को ये समझना है कि एक्स बार जो होगा वही पॉजिटिव या निगेटिव होगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग आगे पीछे उसको हम लोग प्लस या माइनस हम लोग देख सकते हैं। तो ए एक्स बार पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास वो वाई वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा। ठीक, अब ए एक्स जो बार है निगेटिव कब होगा, अगर यही एरिया यहां पर है तो देखिए यहां से अगर हम लोगों को ये अगर सेंटर देखना होगा, यानी हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर हो जाए तो यहां से ये जो होगा एक्स ये निगेटिव होगा, एक्स क्या होगा निगेटिव होगा। अब अगर हम लोग कहें कि ए एक्स बार जीरो कब होगा, जब ये जो एरिया है पूरी तरीके से वाई एक्सिस पर हो यानी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो, तो सेंट्रॉइड हमारे पास जो होगा कब होगा, सेंट्रॉइड विल बी ऑन वाई वाई एक्सिस। अगर ए एक्स का वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव आ जाए तो इधर होगा और निगेटिव आ जाए तो हमारे पास इस साइड में आएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग कहें नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करेंगे तो उसी तरीके से हम लोग ए वाई बार को भी लिख सकते हैं। ए वाई बार भी जो होगा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो। तो ए वाई बार पॉजिटिव कब होगा, वाई बार का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस देखना होगा, यानी अगर एक्स एक्सिस के एबव कोई एरिया है तो ये जो y होगा हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, और अगर बिलो होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये अगर एरिया है हमारे पास कोई dA और यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। यानी इस केस के लिए अगर ये ए वाई निगेटिव आ रहा है तो बिलो, देखिए बिलो द एक्स एक्स एक्सिस होगा, और अगर एबव आ रहा है एक्स एक्स एक्सिस के, एक्स एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास x एक्सिस पर ही आ जाए यहां 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 कहीं पर भी, तो हमारे पास ए वाई का वैल्यू जो आया होगा वो जीरो आया होगा। यानी ये है तो ये जीरो, या ये जीरो है तो ये होगा कि x एक्सिस पर हमारे पास वैल्यू आएगा। ठीक,
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इनके एग्जांपल्स को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और इनका क्या क्या फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही करते हैं। सेंट्रॉइड का अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होगा इसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।